युवाओं को आज़ाद हिंद फौज में शामिल करने वाले अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल याद किए गए। गोरखा शहीद सेवा समिति के तत्वाधान में स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की 108वीं जयंती पर हजरतगंज स्थित दुर्गा भवन में यूनिवर्स पब्लिक रिलेशन एवं MSR हब ने एक स्मृति सभा का आयोजन किया। इस मौके पर कई लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शहीद दुर्गा मल्ल के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। MSR हब प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रिजवान रजा ने कहा कि शहीद मेजर दुर्गा मल्ल ने अपना बलिदान देकर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। अपने प्राणों का बलिदान देकर उन्होंने आज़ादी के संघर्ष को धार दी। श्री रजा ने बताया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए युवावस्था से ही आंदोलनों में भाग लेकर संघर्ष करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों के आगे सीना तान कर उन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। जंगे आज़ादी के संघर्ष में मेजर शहीद दुर्गा मल्ल ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं को आज़ादी के संघर्ष से जोड़ने का काम किया। शहीद दुर्गा मल्ल की देश प्रेम की भावना को युवाओं को आत्मसात करना चाहिए। गोरखा शहीद सेवा समिति के संरक्षक रिजवान रजा ने शहीद मेजर दुर्गा मल्ल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दुर्गा मल्ल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें दुर्गा मल्ल की बहुत सराहनीय भूमिका रही। इसके लिए मल्ल को मेजर के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने युवाओं को आज़ाद हिंद फौज में शामिल करने में बड़ा योगदान दिया। दुर्गा मल्ल को युद्धबंदी बनाने और मुकदमे के बाद उन्हें बहुत यातना दी गई। 15 अगस्त 1944 को उन्हें लाल किले की सेंट्रल जेल में लाया गया और जहां 25 अगस्त 1944 को उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। 17 जुलाई 2004 में संसद परिसर में शहीद दुर्गा मल्ल की प्रतिमा लगाई गई। सभा का संचालन यूपी के वरिष्ठ पत्रकार शाश्वत तिवारी ने किया। स्मृति सभा में खास तौर पर जनाब मोइनुद्दीन अंसारी, संजय सैनी, अब्दुल कलाम, युवा नेता अली हसन, आकर्षण सैनी, तैफीक अंसारी, करण सहित कई लोग मौजूद रहे। लखनऊ से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।